हाँ वसीम, बुलाए। बोला। तेरा एक काम था। क्या काम? एक औरत को मारना है। क्या मारना है मतलब? मर्डर। कौन है वो औरत? है हमारे चौल की। पैसे मिलेंगे? अरे नहीं इमरान, 20/11/2011 नहीं, 20/10/2011। हर बार एक ही गलती करते हो आप। अरे बस बस, वो हर बार 10 और 11 में आकर अटक जाता हूँ नीलोफर। आप हर बार मेरा बर्थडे का डेट लिखते हो अबू। रेहान मियाँ, आप रोहित ने प्यारे कि लगता है हर रोज आपका हैप्पी बर्थडे है। ये लो, भर दिया मैंने आपकी लाइन। अरे नीलोफर, अभी तक ये पहली में भी नहीं गया और इतनी सारी पढ़ाई है। अरे तो अच्छा ही है ना, तुम और मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, हमारे हिस्से की भी पढ़ाई यही करेगा। क्यों मार रहे औरत को? उसका नाम तो बता। ज्यादा सवाल मत पूछ, कल मेरे घर पे आ जा। तेरे आजा। कितना पैसा हुआ? 120। तेरे घर मारा है औरत को? हाँ, लेकिन शाजी भाभी और फई वो नहीं रहेंगे घर पे, कल तो संडे है। हसन भी हमारे साथ है, साजिया और फहीम का इंतजाम वो कर देगा। पूरा खाना खा। अल्लाह, कुछ नहीं छोड़ना। तो समीर और फहीम की खूब जमती? जमती तो है, पर दोनों मिल नहीं पाते, सब इतने मसरूफ जो रहते हैं। हाँ तो कल इतवार है, दोनों को खाने पे बुला लो। ये अच्छा रहेगा, मैं अभी खाने के बाद उन्हें फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ मिराज, पक्का आएंगे, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, खाने के बाद टीवी पर अच्छी सी फिल्म देखेंगे। तो फिर एक काम करना, कल खाने पर नहीं सीधे नाश्ते पर आ जाना, मैं निहारी बनाती हूँ। ये तो और बढ़िया हो गया, फहीम को निहारी बहुत पसंद है। तो कल सुबह 9 बजे तय रहा? ठीक है, पक्का। पर ये काम हम कर किसके लिए रहे हैं? पैसा कितना मिलेगा? कितने में इतने मत पूछ भाई, एक बना। आ जा बैठो, बस औरत को मारना है और लाश को ठिकाने लगाना है। ठीक है, कब आऊँ? कल सुबह 10 बजे। हाँ साहब, क्या बनाऊँ? हफ्ते में एक ही इतवार तो आता है, आज तो 4 बजे तक आ जाइए। अगर किसी ने छुट्टी नहीं मारी तो पक्का आऊंगा, नहीं तो डबल शिफ्ट। साहब को मना नहीं कर सकता ना? कोई बात नहीं, दुआ करूंगी कि आज कोई छुट्टी ना ले, और अगर डबल शिफ्ट लग गई तो लग गई, अब जो भी कर रहे हैं हमारे लिए तो कर रहे हैं। अब आपको काम पे नहीं जाना, चलिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खाना खाने के पहले लौटेगा तभी जाने दूंगी। मतलब 12 o'clock? हाँ मतलब 12 o'clock। आ जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। जा। नीलोफर, 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 नीलोफर। सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया ने तुम्हें घर पर बुलाया? गैस पे सालन चढ़ा रखा है, वो बना के आती हूँ। नहीं लेकिन अर्जेंट है, अभी आओगी तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोला। अच्छा ठीक है, गैस बंद करके आती हूँ।
ए वसीम, वसीम तो नीलोफर है यार, तेरे छोटे भाई इमरान की बेगम। हाँ वही है। तो उसको मारने के पैसे कौन देगा? तू देगा या तेरा छोटा भाई इमरान? छोना नदीम, इसके सारे कपड़े उतार दे, एक भी निशानी रहनी नहीं चाहिए। वसीम जल्दी करते हैं। जा, अभी टाइम है हमारे पास, पहले पूरी भड़ास तो निकाल लूं। सब्जी वब्जी लेने। अम्मी, इसकी टांगों को मरोड़कर हाथों के साथ बांध दे ताकि बोरी में ठोसने में आसानी होगी। तुम दोनों इसे लेकर जाओ, मैं घर निकलता हूँ। शादी मिनाज घर पर है, कुछ चटपटा ना लगे। नीलोफर को देखा आपने? हाँ, आई थी ना सुबह गोश्त लेने। अभी देखा? गुजरी यहाँ से? नहीं तो, सब खैरियत तो है। तेरी अम्मी ने अपने बड़े अब्बू के यहाँ जाने की बात की थी? चले गए ये लोग? मेरी अम्मी कहाँ है फातिमा खाला? तेरी अम्मी को ही ढूंढ रहे। मिनाज, मिनाज, अरे तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो। आई आई। मिनाज, नीलोफर तेरे यहाँ है क्या? नहीं तो, क्या हुआ? नहीं, यहाँ भी घर में नहीं है और उसका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। बेचारा रियान परेशान हो रहा है। मेरी तो नीलोफर भाभी से कोई बात नहीं हुई। तू बच्चे को अपने साथ रख ले, बड़ा डरा हुआ सा है। पर नीलोफर भाभी ऐसे बच्चे को अकेले छोड़कर गई कहाँ? अब मुझे क्या पता मिनाज, ये तो रेहान पूछता हुआ आया, इसीलिए मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा। नीलोफर कहीं नहीं है और उसके जेठ वसीम भाई, उनके यहाँ भी तो ताला लगा हुआ है। क्योंकि शाजिया भाभी और फहीम तो यही है हमारे घर। अच्छा, तू एक काम कर, तू अपने इमरान भाई को फोन कर और बच्चे को आके लेके जा। ठीक है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ वहाँ। क्या हुआ? नीलोफर भाभी रेहान को घर पे अकेले छोड़कर न जाने कहाँ चली गई।
हाँ मिनाज, कैसी हो? इमरान भाई, निलोफर भाभी कहाँ है? क्यों, घर पे ही होगी? उसका फोन नहीं लग रहा है क्या? फोन क्या लगेगा इमरान भाई, मैं तो आप ही के घर पर हूँ रेहान के साथ। भाभी यहाँ पर नहीं है और फोन उनका यहीं पर पड़ा है। अच्छा, तो कहाँ चली गई होगी? मुझे क्या पता इमरान भाई, मैं रेहान को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, उसे कुछ खिला देती हूँ। आप जरा निलोफर भाभी का पता लगाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, खाना भी आधा पका छोड़ गई है चूल्हे पर। अच्छा ठीक है, मैं घर पहुँचता हूँ। अब इमरान अपनी पत्नी नीलोफर को दिन भर ढूंढने वाला था और इमरान का सगा बड़ा भाई वसीम अब अपनी साजिश की दूसरी चाल चलने वाला था। पानी ढूंढा वसीम भाई, हर गली हर घर, कहीं नहीं। गांव में फोन किया, पता चल गया गांव में भागकर बैठी है इसके नीलोफर। भाग गई? नीलोफर भागेगी क्यों? अभी ऐसे रेहान को अकेले छोड़कर मुझे बिना बताए, और वैसे भी वो अकेले मेरठ कैसे जाएगी? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है इमरान, मोबाइल पीछे छोड़ गई, रेहान को पीछे छोड़ गई, घर को ताला नहीं लगाया, खाना आधा अधूरा बनाकर छोड़ के गई, क्या इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? गांव में फोन कर और उसके अम्मी अबू से बात कर। सहरा, कुछ चाहिए क्या? हाँ, तेरा फोन बज रहा है। इतनी रात गई, कौन फोन कर रहा है? इमरान का है? हाँ इमरान बेटा। अम्मी, निलोफर का गांव आने वाने का कोई प्लान था क्या? नहीं तो, और ऐसी कोई बात होती तो वो पहले तुम्हें ही बताती ना। सब खैरियत तो है ना बेटा? थोड़ी परेशानी है अम्मी, वो उधर से निलोफर गायब है। गायब मतलब? दोपहर को रेहान घर के बाहर खेलने गया था, वो खाना बना रही थी, चूल्हे पे आधा पका हुआ खाना छोड़ के और घर को बिना ताला लगाए मोबाइल भी घर पे छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कह रहे हो इमरान? पूरा मोहल्ला छान मारा अम्मी, लेकिन पता नहीं चला। ऐसा कैसे बिना बताए कहीं चली जाएगी? हाँ, कोई झगड़ा बगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? नहीं अम्मी, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? इमरान कह रहा था नीलोफर के साथ कोई झगड़ा बगड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी वो नीलोफर घर छोड़कर चली गई। जा तू घर जा, रेहान का ख्याल रख, तेरी नीलोफर को आना होगा तो आएगी। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो वसीम भाई? मुझे नहीं लगता नीलोफर मुझे छोड़ के कहीं गई है। तेरे लगने ना लगने से फर्क क्या पड़ता है? सच्चाई तेरे सामने, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है। ना घर जा, रेहान का ध्यान रख, अगर रात तक नहीं आई नीलोफर तो सुबह फिर से ढूंढ लेंगे। तो मना लिया तुमने, कल वो फर पड़ाएगा। कल की कल देखेंगे। कुछ खबर आई नीलोफर की? नहीं, और कभी आएगी भी नहीं। मैं तो पहले से बोला था ना, ये लड़की अपने इमरान के लिए सही नहीं है। एक ना एक दिन तुझे भागना ही था, भाग गई। आना खा ले रेहान। चम्मू कौन? मम्मी कहाँ चले गए अबू? पता नहीं, लेकिन आ जाएंगे। ना करो। मम्मी क्यों चली गई? पता नहीं, अभी चुपचाप खाना खा, आकर आकर रेहान। हाँ
तक बोरी उधर ही पड़ी है। एक दिन और रहेगी कम से कम, हर दूसरे दिन कचरे की गाड़ी आती है। अभी निकल ले तू। सिंह भाई आप कुछ भी बोलो, नीलोफर मुझे छोड़ के नहीं गई है। अरे छोड़ा उसने, अपना घर था, अपना गांव था, सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। हाँ तो अब किसी और के साथ रहने के लिए तेरे को छोड़ दिया, आदत होगी उसे। सिंह भाई खुश थी मेरे साथ वो, कल जब हमारी फोन पे बात हुई तो बोली जल्दी आ जाना आज घर वापस। मैंने बोला अगर डबल शिफ्ट नहीं लगी तो पक्का आऊंगा, अगर ऐसा कुछ बात होती तो मुझे शक तो होता कम से कम। इमरान तेरी बीवी ने पूरा प्लानिंग किया था, तभी तो भागी दो फिर को। वो भागी नहीं है वसीम भाई, किसी मुसीबत में वो, कुछ गलत हुआ उसके साथ। क्या 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 मुसीबत, क्या बता। मतलब कहीं कुछ सामान लेने बाहर गई होगी, वापस आने के टाइम रास्ता भूल गई होगी, मोबाइल भी घर पे था। अभी 1.5 साल हुआ मुंबई आके हम लोग को, मुंबई के रास्तों के बारे में उसको कुछ पता नहीं है। तेरी तसल्ली के लिए तू जहाँ बोलेगा वहाँ ढूंढेंगे बस। तेरे पास कोई फोटो वोटो उसकी? हाँ मोबाइल में। वसीम एक चिंतित और जिम्मेदार बड़े भाई होने का ढोंग बखूबी करता रहा, और दूसरी ओर उसका छोटा भाई इमरान बेहाल था अपनी पत्नी की फिक्र में। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी की भयंकर हत्या हो चुकी है। इस हादसे में तकदीर ने भी अपना निर्दय किरदार निभाया। नीलोफर की लाश ढूंढी जाने में और कुछ दिन निकलने वाले थे। अब इमरान पूरी तरह से टूट चुका था। वसीम उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि नीलोफर उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन बेहाल इमरान इस ख्याल को कबूल नहीं कर पा रहा था। इमरान ने ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी, अपने 4 साल के बच्चे की माँ नीलोफर को हर सूरत में ढूंढ कर रहेगा, और इसी वजह से वसीम ने अपनी साजिश की दूसरी चाल चली। वापस आना होता तो कब की आ चुकी होती इमरान, जरा दिमाग से काम ले। तेरी नीलोफर का गए 4 दिन हो गए। वसीम भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नीलोफर कोई तकलीफ में हो और वो हम तक पहुंच ना पा रही हो। मुझे तो लगता है कि अब पुलिस ही ढूंढ पाएगी नीलोफर को। पुलिस कैसे ढूंढेगी, ढूंढा उसे ज्यादा जो खो गया हो, जो खुद छुप रहा है उसे कैसे ढूंढेगी पुलिस। वसीम भाई आप नीलोफर के बारे में ऐसा गलत मत समझो, वो ऐसा नहीं कर सकती। चलते हैं पुलिस के पास, आप आएंगे ना मेरे साथ। इमरान तू जानता है पुलिस की मगजमारी, जान पर आ जा दो लोग। वसीम भाई इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, आपको खुदा का वास्ता, चलिए ना मेरे साथ। लेकिन वसीम भाई चलिए ना मेरे साथ, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ठीक है, तू इतना बोलता चलता हूँ। इसकी बीवी घर छोड़ के भाग गई है साहब, लेकिन ये मानता नहीं कि इसकी बीवी ऐसा कुछ कर सकती है। उसको लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, इसीलिए हम लोग आपके पास आए साहब। तुम्हारी पत्नी का नाम? नीलोफर। ये फोटो है साहब उसका। इस नंबर पे सेंड कर दो। भेज दिया साहब। नीलोफर पहले भी ऐसे भागी है घर छोड़कर? नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे और अपने बच्चे रेहान से बहुत ज्यादा प्यार करती, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। गांव में अपने अम्मी अबू के यहां से भाग गई थी इसी के साथ 5 साल पहले। देखो तुम लोग सीधी बात करोगे तो सबका काम आसान होगा। नीलोफर का किसी के साथ कोई चक्कर था? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। 5 तारीख को दिन में खाना पका रही थी साहब, खाना अधूरा छोड़कर घर को बिना ताले मारा चली गई। और बच्चा? बच्चा बाहर खेल रहा था साहब। ठीक है तुम लोग बाहर मिसिंग कंप्लेन लिखा दो, हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है सर। मेरे जान को बहुत खतरा है साहब,
बार बार फोन आ रहा है, बताओ ना आप साहब को। उम्र 25 साल। हाइट कितनी है? 5 feet 3-4 inch रहेगी साहब। बदन पर कोई निशानी? नहीं सर। कोई मार, कटा हुआ, जला हुआ, कोई तिल विल कुछ? कपड़े क्या पहनी थी वो? कपड़े जब मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो ऐसे घर के कपड़े पहन रखे थे उसने, उसके बाद कभी को पता नहीं साहब। वैसे तो वो सलवार कुर्ती और दुपट्टा पहनती है साहब। कुछ जेवर वगैरह पहने थे उसने? जेवर साहब वही जो रोज पहनती थी, कान में और हाथ में एक दो चूड़ी और गले में ताबीज, जो फोटो में ना साहब वैसा वही। हम ढूंढना शुरू करते हैं उसे, उसका कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें फोन करेंगे। तुम्हारा नंबर है यहाँ पे। जी साहब। और सुनो, अगर वो खुद से लौटा है तो यहाँ इन्फॉर्म कर देना, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। समझ गए सर। इसे छोड़ के चली गई तो क्यों गई होगी वसीम भाई? वो तो हो जाने भाई, आएगी तब पूछना उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तेरे को सब कुछ तो बता देनी। उसके अम्मी अब्बू, उसका भाई अब्दुल बहुत परेशान है सब। ये तेरे लिए पहली बार है, उनके लिए नहीं। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अपनों के बारे में बिना सोचे बस खुद के बारे में सोचे, फिर कोई करे तो करे क्या? हाँ ठीक है इमरान। क्या बोला, क्या बोला इमरान? बोला कि पुलिस कंप्लेंट हो गई है। देख अब्दुल, तेरी बहन ऐसे बच्चे और शोहर को छोड़कर भाग जाएगी कहीं? क्या? नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। कहीं गई भी है तो कहां गई? इतने बड़े शहर में गई क्यों है अब्बू? हे वसीम, बोरी मिल गई उनको। पुलिस थी? नहीं, लेकिन डंपर वाले ने मेरे सामने पुलिस को फोन घुमाया। मैं जब इधर आ रहा था तो पुलिस जा रही थी उस तरफ। फिक्र मत कर, वैसे भी लाश को 5 दिन हो गए, पूरी तरह से फूल गई होगी। तूने कपड़े और ताबीज तो जलाई दिए थे ना? एक चीज रह गई थी। क्या? उसके पैरों की उंगलियों में पिछिया थी, एक निकली और दूसरी निकल नहीं पाई। क्या करता, निकल ही नहीं रही थी। अबे तो काट देता हूं उंगली, वैसे भी मर चुकी थी, और मुझे बताया क्यों नहीं? पूरी तरह हिला हुआ था मैं। एक तो नीलोफर को मार डाला, अपनी इमरान की बीवी, और ऊपर से लाश के साथ जो तूने किया ना उसके, और एक तो मुझे पता क्यों तूने अपने छोटे भाई की बीवी को मरवा दिया, और मुझे क्यों नहीं बताया कि उसे मारना है? ऐसा भी क्या नाराज था तू उससे? फिर कभी बताऊंगा फुर्सत में। सुन, अभी अपने पास टाइम नहीं है, बस लाश किसी की पहचान में नहीं आनी चाहिए। तू मेरा ठेला संभाल, मैं आता हूं। औरत है सर, बदन पर एक भी कपड़े नहीं है और लाश काफी सड़ चुकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे और पता करो और क्या डिटेल्स मिलते हैं। ये क्या करना है? सोते हैं। बोलता
हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़ अबू। पुलिस कुछ बोली अभी तक? इमरान। हाँ वासिम। क्या इमरान, मैंने अभी जो देखा तो तू मेरी बात सुनेगा तो तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा यार। नीलोफर दिखी आपको? मेरे भाई तू उस औरत को भूल जा। वासिम भाई मैं पूछ रहा हूँ, नीलोफर दिखी क्या आपको? अरे मैं यहाँ आया था चार कोप में कुछ काम से, तो पाँच मिनट पहले तेरी नीलोफर दिखी। कहाँ है, कहाँ है वो? आपके साथ? वो मेरे साथ नहीं है इमरान, लेकिन एक बात समझ ले, वो तेरे साथ भी रहना नहीं चाहती। नहीं वासिम भाई आप ऐसा मत बोलो, मेरे साथ रहना चाहती है। वो चार कोप कैसे पहुँच गई? अरे वो सब मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मैंने नीलोफर को देखा तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया, खुदा कसम। तो आपने उसको आवाज क्यों नहीं लगाई, उसको रोका क्यों नहीं? अरे आवाज दी ना मैंने। अरे मैं रास्ते के इस तरफ था और सामने तेरी नीलोफर, जैसे ही मैंने नीलोफर को देखा मैं चिल्लाया नीलोफर नीलोफर, और उसने मेरी आवाज सुनी भी, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर क्या, उसने रिक्शा पकड़ी और मैं उसके रिक्शा के पीछे पागलों की तरह भागा और मैं चिल्लाया नीलोफर रुको, नीलोफर रुको, खुदा के लिए रुक जाओ, अरे इमरान के लिए रुक जाओ, रेहान के लिए रुको। लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी उसने और निकल ली वहां से। इमरान नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, तेरी नीलोफर ऐसा नहीं कर सकती। देखिए इमरान, तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी ये जो बीवी है ना नीलोफर, वो तेरा दर्द नहीं समझ सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तू रुक, मैं आता हूँ। लाश इतनी सड़ गई कि पहचाना नामुमकिन है। मौत की वजह डॉक्टर? स्ट्रैंगुलेशन, गला दबाकर मारा गया। मर्डर। बॉडी पर कपड़े नहीं थे डॉक्टर, कुछ सेक्सुअल असॉल्ट? बेहद विकृत, सेक्सुअल असॉल्ट रेप मौत के बाद हुआ लाश पर। ये बिछिया दाहिने पैर की दूसरी उंगली पर थी, आइडेंटिफिकेशन के लिए यही एक चीज थी लाश पर जो आपके काम की होगी। विक्टिम की एज क्या होगी डॉक्टर? लगभग 40 से 45 के बीच। 40 से 45 साल की अधेड़ उम्र की औरत। डॉक्टर मैं समझ सकता हूँ बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है, फिर भी मौत की टाइमिंग बता सकते हैं? कम से कम 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अहम चूक हुई थी नीलोफर की उम्र को लेकर, इस चूक ने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। 25 वर्षीय पीड़ित की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष, फिर एक बार तकदीर की निर्दयता सामने आई जिसकी वजह से नीलोफर मिसिंग केस का सच सामने नहीं आ पाया। अरविंद जी, 40 से 45 साल की जितनी भी मिसिंग महिलाएं हैं सबकी केस फाइल निकलवाओ, जोन के सभी पुलिस स्टेशन में खबर भिजवा दो लाश की कंडीशन बहुत बुरी है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द से जल्द हमें क्रियाकर्म करवाना होगा लाश का। जी सर। इमरान चारकोप गया और वहां अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढने लगा, दिन रात लगातार कोशिश करता रहा, हर गली हर सड़क छानता रहा कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी मिल जाए। पहले अम्मी को बुलाओ तभी सोऊंगा मैं। क्यों जिद कर रहा है बेटा, अम्मी आएंगी ना तो जगा दूंगा मैं तुमको। इमरान के लिए रेहान को संभालना भी आसान नहीं था, रेहान बार बार सवाल करता कि आखिर अम्मी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। वसीम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता रहा, एक भयंकर जुर्म को छुपाकर एक झूठ को जीता रहा। नीलोफर भाभी का कुछ पता चला? नहीं अभी तो नहीं पता चला। इस संगीन जुर्म में उसका साथीदार हसन, वसीम की छोटी बहन मिनास का पति, अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठा था, पर बहन मिनास को भी इमरान की बड़ी फिक्र थी। नीलोफर की कोई खबर मिली? नहीं। उसी तरह कातिल वसीम की पत्नी शाजिया को भी अपनी देवरानी नीलोफर के गायब होने को लेकर बहुत दुख था।
इमरान के जोर देने पर वसीम ने इमरान को एक झूठ मूठ के स्थान को वो जगह बताई जहां उसने नीलोफर को देखने का झूठ बोला था, और फिर एक बार इमरान पागलों की तरह नीलोफर को ढूंढने में लग गए। सर, पिछले 15 दिनों में 4 केसेस आए मिसिंग के औरतों के, जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच है। इनमें से 3 ट्रैक डाउन हुई हैं और अपने घर भी पहुंच गई हैं। और चौथी? सर, उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी बॉडी पाई गई थी और शिनाख्त भी हुई थी। तो फिर हमारे ताबे में जो 40 से 45 साल की औरत की लाश है वो किसकी है? सर, मैंने फिर से एक लुकआउट इशू किया है, हो सकता है वो औरत गायब हुई हो और किसी ने उसके बारे में कंप्लेंट भी ना की हो। इस कत्ल को हुए हुए बहुत टाइम हो गया है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अरविंद, आपने बोला था ना कि एक हफ्ते के बाद छोड़ देंगे, हाँ तो क्यों नहीं छोड़ रहे उसको? बोला उनसे क्या गुनाह क्या किया है? मैं बोलती ना, मेरा बच्चा ऐसा है नहीं। हाँ बोलो। मानो मुल्का ऐसा करना रस नहीं। साहब, मेरी बीवी नीलोफर वो चारकोप में कहीं है। तो आपने शायद हमें पहचाना नहीं। साहब, हम लोग आए थे ना मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। नीलोफर ये मेरा छोटा भाई है इमरान, इसकी बीवी खो गई है। कब लिखाया था? डेट बोलो। 8 जुलाई को। साहब, 8 जुलाई। नीलोफर, उम्र 25 साल, रहीमपुरा कुरला। हमने इसकी फोटो भेजी है सारे थाने में, ढूंढ रहे हैं हम इसे। साहब, मेरे भाई वसीम ने उसे चारकोप साइड में कहीं देखा था। तुमने? जी साहब। तो फिर रोका क्यों नहीं? अरे क्या रोका नहीं साहब, मैंने कितना चिल्लाया, पागलों की तरह चिल्लाया साहब, उसके रिक्शा का पीछा भी किया, लेकिन उसने मुझे देखा भी और मुझे देखते ही मुंह पलट लिया, फिर चली गई रिक्शा। साहब, कुछ तो अटपटा है। अटपटा मतलब? मतलब ये कि मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती, जरूर किसी ने उसको धमकाया होगा इसलिए ऐसा कर रही है वो। ये मेरा भाई है लेकिन मानने को तैयार नहीं मेरी बात। साहब, इसमें ना मानने वाली बात क्या है? वो ऐसा क्यों करेगी साहब? हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ कि वो घर छोड़ के चली जाए, ना हाल में और ना पहले कभी हुआ। हमारे बीच में सिर्फ प्यार था साहब, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। हमारे बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। अब आप सोचिए, अपने अपने बच्चे को एक माँ छोड़ के क्यों जाएगी? देखो इमरान, यहाँ रोज़ एक से एक केसेस आते हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं कि इंसान क्या क्या कर सकता है। मैं दलील करता हूँ आपसे साहब, वो चारकोप में कहीं उसको ढूंढ लीजिए, एक बार वो मिल जाएगी ना तो वो खुद ही बताएगी कि मामला क्या था, और अगर वो सामने से बोलेगी कि उसको मेरे साथ नहीं रहना ना साहब, तो मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं कभी उसको मुड़ के नहीं देखूंगा। देखो इमरान, चारकोप पुलिस स्टेशन में पहले केस की डिटेल्स और तस्वीरें भेज दी गई हैं, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो चारकोप में देखी गई। देखिए इमरान, दिल पे पत्थर रख और बुला दे उस औरत को, वो अब वापस नहीं लौटने वाली। इमरान से बात हुई मेरी, बोल रहा था कि उसके बड़े भाई वसीम ने हमारे नीलोफर को मुंबई के किसी दूसरे हिस्से में देखा था, उसने आवाज तक लगाई लेकिन उसने पहचाना तक नहीं, बस पता नहीं कहीं भाग निकली। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, हमारी नीलोफर ऐसी पागलों वाली हरकत कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं कर सकती? क्या हमने उसका पागलपन देखा नहीं जब वो ये घर छोड़कर इमरान के साथ भाग गई? कहीं इमरान ने ही तो कुछ कर नहीं दिया हमारी बच्ची को? पुलिस और परिवार वाले हर तरह का अनुमान लगा रहे थे कि नीलोफर के साथ क्या हुआ हो सकता है, और दूसरी तरफ नीलोफर का कातिल वसीम अपने भाई की भावनाओं के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक करता जा रहा था। हाँ वसीम भाई, आज जो भी हुआ है उसके बाद भी तूने नीलोफर का इंतजार किया ना, तो तू बेवकूफ नहीं पागल भी कहलाएगा। क्या हुआ आज? आज भी देखी तेरी नीलोफर, आज यहाँ देखी अंधेरी स्टेशन पर। कुछ बात हुई आपकी? अरे बात तो तब होती जब तेरी नीलोफर रुकती ना, आज भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। जैसे ही मैंने नीलोफर को देखा मैं चिल्लाया नीलोफर नीलोफर, मेरी आवाज सुनी उसने, पलट के देखा और चोरों की तरफ भागने लगी, चढ़ गई ब्रिज पर। अरे फिर भी मैं नीचे से चिल्लाया नीलोफर रुको एक बार तो बात कर लो, अरे पागल की तरह चिल्लाया और सब पब्लिक मेरे को देख रही थी। फिर? अरे फिर क्या, देखा तो तेरी मैडम सामने खड़ी थी प्लेटफॉर्म पर, अरे मैं तो पटरी क्रॉस करके उसको पकड़ के तेरे पास लाने वाला ही था, लेकिन सामने की पटरी से ट्रेन आ गई ना और तेरी नीलोफर बैठ गई वो ट्रेन में, चल पड़ी खांदी की ओर। वसीम भाई,
तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्योंकि वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती इमरान, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है वो रेहान को पीछे छोड़ गई है। क्या हुआ इसका मतलब? हाँ, वो जिंदगी भर तेरे पास लौट के नहीं आने वाली है, और उसने सिर्फ तुझे नहीं तेरे साथ साथ तेरे खून रेहान को भी ठुकराया है, और ये बात कभी भूलना मत। वसीम भाई जो कह रहे हैं मुझे लगता है ठीक है। अब नीलोफर भाभी वापस नहीं आना चाहती तो उन्हें जबरदस्ती से तो नहीं लाया जा सकता ना, प्यार के रिश्तों में कैसा जोर। मैं तुझसे बड़ा हूँ तभी बोल रहा हूँ, जब से ये हादसा हुआ ना तब से ना तो तेरा काम में ध्यान है ना तो दुरेहान की परवरिश ठीक से करता है। दिल छोटा मत कर, हम सब गाँव चलते हैं, मैं शाजिया फहीम और तू भी चल, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। हम सब रहेंगे अम्मी अबू के पास, खेती बाड़ी करेंगे, और तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढेंगे, हाँ, जो ऐसी मनहूस ना हो, तेरी जिंदगी सवार ऐसी हो। अब आपको काम पे नहीं जाना, चलिए चलिए। आप लोग मेरा भला चाहते हैं मुझे पता है, लेकिन जब तक नीलोफर मेरे सामने आके अपनी नाराजगी का कारण नहीं बता देती मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा। नीलोफर भाभी तेरे सामने आकर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू मेरा भाई है इसलिए तुझे ये सब नहीं कह रही। एक औरत को चाहे किसी मर्द को दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और नीलोफर भाभी जहां भी है जिसके साथ भी रहे खुश रहे, पर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है बनानी है। मुझे सोचने का वक्त हो। अब ज्यादा वक्त नहीं है इमरान तेरे पास, एक बात समझ ले, तू जो भी फैसला लेगा तुझे सबसे बड़ी अहमियत रेहान की जिंदगी को देनी होगी। अरे क्या बात है नदीम मियां, दिखते नहीं आजकल, ईद का चांद बन गए हो। शहर छोड़ रहा हूँ वसीम। हाँ वैसे मुंबई में कुछ रहा भी नहीं, मैं और इमरान भी सोच रहे थे बम्बई छोड़ के गांव चले जाते हैं। सही है, पहले अपने मन की भड़ास निकाल ली और अब बेचारे अपने छोटे भाई की जिंदगी में मसीहा बन रहा है। दोस्त है ना इसके लिए सुन रहा हूँ, और कुछ काम है तो बोल, धंधे का टाइम है। तो धंधा कर मत कर, नाम बदल शहर बदल कुछ भी बदल, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। कैसे जवाब? एक तो क्यों तूने अपने सगे भाई की बीवी को मरवाया, और दूसरा मुझे क्यों उसने पैसे का लालच देके फंसाया? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, तू भी अपने मतलब से आया था। हाँ साले आया था मतलब से, लेकिन मतलब तो हल हुआ नहीं ना। कभी कभी दिल करता है पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं। ये मत भूलना कि तू भी इस खून में बराबर का भागीदार है। मेरे बारे में चूंकि चाकी ना तो इतना याद रखना, जितने साल के लिए मैं जेल में जाऊंगा उतने साल के लिए तू भी जाएगा। इसलिए चुप बैठा हूं, लेकिन तू चुप नहीं बैठ सकता वसीम, आज तुझे बताना ही पड़ेगा क्यों तूने अपने ही छोटे भाई की बीवी को इतने खौफनाक तरीके से मार डाला, और अब उस बेचारे को दर्द पे दर्द दिए जा रहा है, क्यों? सब कुछ जानना चाहता है पूरा सच। एक शादीशुदा आदमी ने अपने छोटे भाई की पत्नी का कत्ल क्यों कर दिया था, और अब अपने भाई को इतनी यातनाएं क्यों दे रहा था, और कत्ल के बाद उस आदमी ने उस औरत की लाश के साथ इतनी विकृत हरकत क्यों की थी। जाहिर सी बात थी कि इस नाराजगी इस भयंकर गुस्से की जड़ अतीत में थी, पर क्या थी ये जड़? और इस अतीत के खुलासे के अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या इमरान को कभी नीलोफर की हकीकत पता चल पाएगी, क्या पुलिस इस केस को हल कर पाएगी जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक सीरियस गलती हुई थी जिसमें एक 25 वर्षीय जवान औरत नीलोफर को लगभग 40 से 45 वर्षीय अधेड़ उम्र की औरत बताया गया था। कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद हम देखेंगे कि वसीम को क्या कहना था अतीत के बारे में, और आखिरकार क्या भविष्य हुआ इस केस का।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।